हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था और रिलेशन को हम लोगों ने डीपली पढ़ा। रिलेशन जो टॉपिक है वो जेई मेन और बोर्ड के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब उसी का अगला टर्म लोगों को फंक्शन पढ़ना है, लेकिन फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले कुछ बेसिक डिटेल, जिसको हम लोग बोलेंगे कि उसकी फंक्शन चैप्टर की बाउंड्री, उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ मिसकेलेनियस टाइप ऑफ फंक्शंस आएंगे और उन फंक्शंस में कुछ फंक्शन कुछ पार्ट को हम लोगों ने 11th में क्लियर कर लिया था, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इनइक्वालिटीज, वेविकल मेथड इनइक्वालिटीज, रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़े थे और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पढ़े थे, मॉडुलस इक्वेशन इनइक्वेशंस पढ़े थे। ये सारी चीजों का यूज अभी हमारे इस टॉपिक फंक्शन में होने वाला है, लेकिन इनके अपार्ट कुछ चीजें, कुछ टर्म यहाँ पर या कुछ ऑपरेटर जिनको हम लोग फंक्शन ही बोले हैं, उनको हमें 12th में पढ़ना था, कुछ पढ़े 11th में पढ़ लिए। और उनमें कौन कौन से हो गए, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सारी चीजें, और उसके पहले भी कुछ डेरिवेशन हम लोगों को करने रहेंगे। ये सारी चीजें जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब हम लोग उसके बाद फंक्शन चैप्टर में एंटर कर पाएंगे। क्लियर इतना बात है? तो अब हम लोग फंक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमने आपको बोला कि कुछ ऑपरेटर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह पढ़ने हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑपरेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसको हम लोग पहले कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, इस तरह से लेके हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट ना? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझना। इसको हम लोग शॉर्ट में GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि किसी भी नंबर, किसी भी इन जनरल नंबर x के मॉडुलस को डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है? पैरेलल लाइन के बीच में वेरिएबल x को लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि उस नंबर का हम लोग मॉडुलस ले रहे हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के लिए, इन जनरल किसी भी x नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के लिए, उसको सिंबल वाइज बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर नोटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर। देखो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ये होता है कि किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट हो तो उसका बिहेवियर चेंज कर दे, उसकी वैल्यूज चेंज कर दे, इन सबको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो किसी भी नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और ये है क्या उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, समझना, जैसे रियल लाइन पर एक रियल नंबर, आर्बिट्ररी एक रियल नंबर x है, रियल लाइन पर एक आर्बिट्ररी रियल नंबर x है, तो उस रियल नंबर के जस्ट नियर दो इंटीजर हमेशा पढ़ेंगे, एक इंटीजर जस्ट उससे छोटा होगा और एक इंटीजर जस्ट उससे बड़ा होगा। तो x नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर हम लोगों ने सपोज किया n है, और इससे जस्ट बड़ा इंटीजर ऑब्वियसली फिर क्या होगा बताइए आप, n प्लस 1 होगा। तो ये बात आप जान लीजिए, किसी भी नंबर से जस्ट स्मॉल इंटीजर को हम लोग उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। x से जस्ट स्मॉल इंटीजर n है तो इसी n को हम लोग नंबर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं, जिसको सिंबल वाइज स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो आप ये बताइए कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस नंबर से नियर पढ़ने वाला उससे स्मॉल इंटीजर को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? तो हम लोग इसका डेफिनेशन एक बार लिखते हैं। इफ x बिलोंग्स टू r, R means real, then its greatest integer
greatest integer is denoted by square bracket x and defined as integral value of x, integral value f near and smaller than x, near and smaller than x. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? x नंबर के नियर और उससे स्मॉल जो इंटीजर है उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर. जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी नंबर x सपोज 3.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो इस नंबर से जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन है बताइए? 3 है तो इस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, राइट? जैसे हम लोग एक नंबर लेते हैं नेगेटिव में माइनस का 9.4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस ऑफ 10. माइनस 9.4 से जस्ट स्मॉल इंटीजर माइनस 10 है. एक बात और जान लीजिए, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम रहता है. इंटीजर का अगर कोई नंबर इटसेल्फ इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम रहेगा. तो इफ x इज इक्वल टू 7 देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो 7. If x is equal to minus 5, its greatest integer is also minus 5. If x is equal to 0, then its greatest integer is equal to 0. Integer का greatest integer क्या होता है? 7. तो real line पर जितने भी real number हैं, सभी number का greatest integer हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी real number से just small integer कोई ना कोई real line पे होता है. इसका मतलब सभी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करता है. किसी भी कोई भी ऑपरेटर कोई भी फंक्शन जिन रियल वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाए, जिन रियल वैल्यू को हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें, उन सारी रियल वैल्यू के कलेक्शन को हम लोग उस ऑपरेटर या उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं. तो हम लोग यहां पर देख पाएंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर हम लोगों ने बनाया है ये किन रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा? कंप्लीट रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा. क्यों? क्योंकि ये किसी भी रियल नंबर से जस्ट स्मॉल इंटीजर कोई ना कोई होगा, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड होगा. तो आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन है वो कंप्लीट रियल नंबर है, दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, राइट ना? डोमेन का सिंपल सेंस आप ये समझिए, किसी भी ऑपरेटर किसी भी फंक्शन का डोमेन वो रियल वैल्यूज होती है जिन रियल वैल्यू को हम उस ऑपरेटर में सब्स्टिट्यूट करें तो उस ऑपरेटर की जो वैल्यू आएंगी वो वेल डिफाइंड है, डिफाइंड होके आए उन सारी रियल वैल्यू को जो उसमें सब्स्टिट्यूट किए थे उसको हम उस ऑपरेटर या फंक्शन की डोमेन बोलते हैं, राइट? और ये रियल वैल्यू ये डोमेन उस ऑपरेटर में सब्स्टिट्यूट करके उस ऑपरेटर की उस फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू आती है उन आउटपुट वैल्यू को हम लोग उस फंक्शन या उस ऑपरेटर का रेंज बोलते हैं. तो आप ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी एक्स रखने पर कंप्लीट रियल एक्स रखने पे आपको आउटपुट क्या दिख रहा है? इंटीजर्स दिख रहे हैं. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपना आउटपुट वैल्यू क्या देगा? इंटीजर देगा, जिसको कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर का रेंज बोलेंगे. तो आप ये बताइए रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कंप्लीट इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर. ये तो बात हो गई डोमेन एंड रेंज की. अब हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर डिफाइन किया तो हमने ये देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर जो है वो किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रल कर देगा. किसी भी क्वांटिटी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इंटीजर आएगा. जैसे कि मॉडुलस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी पर अगर मॉडुलस ऑपरेट होता है तो मॉडुलस उस क्वांटिटी को क्या कर देता है? पॉजिटिव. वो उसका नेचर है मॉडुलस का. इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर क्या है कि किसी भी क्वांटिटी पर किसी भी वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेट हुआ तो फाइनली इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल होकर के आएगा, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. लेकिन उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यू रख करके इसकी आउटपुट वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? जैसे कि एक्स वैल्यू, वो एक्स वैल्यू जो कि जीरो से 1 के बीच में है, वो एक्स वैल्यू जो कि 0 से 1
वन के बीच में, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो से वन के बीच में जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर से स्मॉल इंटीजर कौन है? जीरो से वन के बीच में जितने भी नंबर है उनसे स्मॉल इंटीजर कौन है? जीरो है। तो उन सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा। वो सभी नंबर जो कि वन और टू के बीच में है, उन सभी नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन होगा? वन होगा। तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वन आएगा। वो सभी नंबर जो कि टू और थ्री के बीच में है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर टू आएगा। टू और थ्री के बीच में जितने भी नंबर, जैसे टू और थ्री के बीच में नंबर लेते हैं 2.1, 2.003, 2.004, 2.9, 2.8, ये सारे जो नंबर्स हैं उनसे जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन है? टू है। तो टू और थ्री से बीच में के बीच में सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? टू आएगा, राइट। अब नंबर्स इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहे, थ्री से फोर के बीच में है तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। कुछ नेगेटिव साइड वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर्स जो कि माइनस वन और जीरो के बीच में है, नंबर्स जो कि माइनस वन और जीरो के बीच में, माइनस वन और जीरो के बीच में नंबर जैसे माइनस पॉइंट फाइव, माइनस पॉइंट फोर, इन सब नंबर से जस्ट स्मॉल इंटीजर बताइए कौन है? माइनस वन है। तो इन सभी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? माइनस वन होगा। नंबर्स जो कि माइनस टू से माइनस वन के बीच में है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टू आएगा। नंबर्स जो कि माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस थ्री आएगा। इसी तरह नेगेटिव साइड में वैल्यूज चलते रहेंगे और ये इसी तरह से पॉजिटिव साइड। इन वैल्यू को लेकर के हम लोग इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन में आते हैं और इसको फंक्शन ऑपरेटर को हमने वाई इक्विवेलेंट लिया, वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इस ऑपरेटर का अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसके लिए देखो हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर इंटीजर से इंटीजर के बीच में वैल्यू देना शुरू करेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पर आप यहां पर मार्कआउट करिए 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे भी नेगेटिव साइड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसी तरह नेगेटिव साइड यहां पर भी। वाई एक्सिस पर भी आ जाइए 1, 2, 3, 4, नेगेटिव साइड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इसी तरह से, ठीक है? अब जीरो से वन के बीच एक्स एक्सिस पर आइए, एक्स वैल्यू जीरो से वन के बीच में यहां लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। जीरो से वन के बीच में एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आने का मतलब वाई वैल्यू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो का मतलब वाई वैल्यू जीरो आया। तो जीरो से वन एक्स के लिए वाई कितना आया? जीरो। वाई वैल्यू जीरो कहां पर होते हैं? एक्स एक्सिस पर होते हैं। वाई वैल्यू जीरो कहां पर होते हैं बताइए? एक्स एक्सिस पर। तो जीरो से वन के सभी एक्स वैल्यू के लिए वाई वैल्यू जीरो आएगा, मींस करेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिलते रहेंगे। और इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो एक लाइन प्लॉट होगा जो कि जीरो से वन के बीच में होगा और वन को ओपन करते हुए, क्योंकि वन इसमें इंक्लूड नहीं है, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन हो जाएगा। वन से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो है, वन से जस्ट छोटे नंबर का बिफोर ऑफ वन जीरो है। तो बिफोर ऑफ वन पॉइंट एक्स एक्सिस में मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्स बराबर वन पे पहुंचेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वन का मतलब है वाई वैल्यू भी वन।
तो y वैल्यू 1 होगा, तो जैसे हम लोग x इक्वल टू 1 पर पहुंचे तो y इक्वल टू 1 पर पहुंचिए, और 1 से 2 x की वैल्यू 1 से 2 देने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब y वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y वैल्यू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में y इक्वल टू 1 मतलब यहां से यहां तक बराबर 1 देना है, मतलब लाइन एक प्लॉट करना है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, किस प्लेस से y इक्वल टू 1 से, ओपनिंग ऑफ 2 को इंक्लूड ना करते हुए, क्योंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। तो जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 2 फ्लैट 2 पर पहुंचते हैं तो फ्लैट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब y वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 से 3 के बीच में सभी x वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब y वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 से 3 के बीच में हम लोग 2 जाएंगे, राइट। इसी तरह से अब आगे बताइए, आप लोग 3 को ओपन देते हुए क्यों बताओ, क्योंकि तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 नहीं है, फ्लैट 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एग्जैक्टली कितना आएगा 3, 3 से 4 के बीच में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा 3, मींस y इज इक्वल टू 3। तो एक लाइन प्लॉट करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस जो कि y इज इक्वल टू 3 के थ्रू प्लॉट किया जाएगा। यहां पर सभी लाइनें पैरेलल टू x एक्सिस मिल रहे हैं, ठीक है, और जो लाइन एंड होता है इंटीजर में जाकर के वो राइट ओपन होता है, राइट ओपन क्योंकि जो सेकंड बाउंड्री है वो उस लाइन में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से आ जाइए कुछ नेगेटिव पॉइंटों पर देखते हैं। माइनस वन से जीरो के बीच में अगर हम लोग आते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन से जीरो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बताइए आप, माइनस वन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन का मतलब y इक्वल टू माइनस वन तो माइनस वन से जीरो x वैल्यू के लिए हम लोग एक लाइन प्लॉट करेंगे जो y एक्सिस पर माइनस वन से प्लॉट किया जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन सभी एक्स वैल्यू के करस्पॉन्ड में वाई हमेशा माइनस वन आता रहेगा, और इस जगह पर ओपन देते हुए क्यों, क्योंकि जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन नहीं है, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो है, राइट है। अब आते हैं हम लोग माइनस टू से माइनस वन के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टू है, ग्रेटर देन माइनस टू का मतलब वाई इक्वल टू माइनस टू है, तो इस माइनस वन से कि जैसे हम लोग लेफ्ट साइड जाते हैं तो ग्राफ का पॉइंट जस्ट यहां पर जंप करेगा माइनस टू पर राइट ना, और माइनस टू यहां ओपन देते हुए माइनस टू तक ये लाइन चलेगा, माइनस टू इंक्लूड करते हुए माइनस टू के जैसे लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो लाइन आएगा वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाला, माइनस थ्री के लेफ्ट साइड जैसे जंप करते हैं तो लाइन आएगा वाई इक्वल टू माइनस फोर वाला। तो ये ग्राफ प्लॉट है वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर का, ठीक है। इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग, इस ग्राफ में हम लोग एक बार देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ लाइन फॉर्म प्लॉट है, मतलब एक देखो लैडर फॉर्म प्लॉट है, सीढ़ियां बन रही हैं, हर एक सीढ़ी हर एक लैडर का जो सेकंड बाउंड्री है वो ओपन है, और हर एक लैडर का जो पाया है जिसको बोलो, हर एक लैडर दो इंटीजर के बीच में डिफाइंड है, हर एक लाइन दो इंटीजर के बीच में डिफाइंड है जिसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन पर वो पॉइंट इंक्लूडेड है और सेकंड पोजीशन इंक्लूडेड नहीं है, और हम लोग ये देख पा रहे हैं कंप्लीट ग्राफ को अगर एक साथ देखें तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि लैडर फॉर्म में बना हुआ है हर एक इंटीजर पर पहुंचकर 1 पे 2 पर 3 पर 4 पर 0 पर -1 -2 हर एक इंटीजर पर इसका ग्राफ टूट जा रहा है, मींस डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर का जो ग्राफ है वो डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है, और डिसकंटीन्यूअस कहां पे हो रहा है, कहां पे टूट रहा है, इंटीजर पॉइंटों पर, कहां पे टूटा बताइए, इंटीजर पॉइंटों पे। तो हम इसको लिखेंगे यहां पर
ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अच्छा, डिस्कंटिन्यूटी में भी हम लोग एक बात देखते हैं यहां पर कि जैसे x इक्वल टू 2 पर डिस्कंटिन्यूअस है, तो आप एक बात देखिए यहां पे, 2 फ्लैट 2 पर पहुंच गया, फ्लैट 2 पर बताइए वैल्यू कितनी है, फ्लैट 2 एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू कितनी है बताइए, 2 है। और 2 के राइट साइड भी, 2 के जस्ट राइट साइड अगर हम लोग आए तो वैल्यू तब भी कितनी है, 2 है। लेकिन 2 के लेफ्ट साइड से देखे हैं तो वैल्यू 1 है। तो ये जो 2 पर इसका ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है, डिस्कंटिन्यूअस दिख रहा है, वो भी हम ये देख पा रहे हैं कि राइट साइड से तो जुड़ा हुआ है, राइट साइड से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट साइड से टूटा है, लेफ्ट साइड से डिस्कंटिन्यूअस है। तो जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूअस होता है तो वो पार्शियली डिस्कंटिन्यूअस भी हो सकता है। पार्शियली डिस्कंटिन्यूअस का मतलब किसी पॉइंट पर वन एक साइड से जुड़ा हुआ है और एक साइड से टूटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिस्कंटिन्यूअस, पार्शियली टूटा हुआ। और कभी फंक्शन ऐसे भी कंटिन्यूटी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट पर वो बोथ साइड से डिस्कंटिन्यूअस होते हैं, कंप्लीटली डिस्कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग बस यहां पर समझ लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ऑपरेटर है वो डिस्कंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर डिस्कंटिन्यूअस है कैसा बताइए आप, पार्शियल डिस्कंटिन्यूअस है। और पार्शियली डिस्कंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे, वो भी पार्शियली किस साइड से डिस्कंटिन्यूअस है, 2 पर किस साइड से डिस्कंटिन्यूअस है, लेफ्ट साइड से, राइट से तो क्या है कंटिन्यूअस है, 3 पर किस साइड से डिस्कंटिन्यूअस है, लेफ्ट साइड से, राइट से तो क्या है कंटिन्यूअस है। तो यहां पे बोलेंगे कि ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, और यहां पे हम ये बात लिखेंगे लेफ्ट डिस्कंटिन्यूटी यहां देखने को मिलता है। कौन सी डिस्कंटिन्यूटी बताइए, लेफ्ट डिस्कंटिन्यूटी दिख रहा है, बोलो क्लियर है, लेफ्ट डिस्कंटिन्यूअस है यहां पर। तो यहां पे देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर है वो x एक्सिस पर कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, x पे क्या वैल्यू ले रहा है, x पे ये कंप्लीटली यहां पर माइनस इंफिनिटी और यहां पर प्लस इंफिनिटी, मतलब x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। इसीलिए हम लोग डोमेन क्या बोलते हैं, कंप्लीट रियल नंबर। और किसी ऑपरेटर की, किसी भी y = fx की जो y वैल्यू आती है उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो y वैल्यू क्या मिल रही है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होती है, इंटीजर। राइट, ग्राफ क्लियर हो गया सभी को, इसको नोट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग इस ऑपरेटर की, आप याद करिए जो हम लोगों ने 11th क्लास में मॉडुलस पढ़ा था, उसमें मॉडुलस के हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, काफी इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हैं। इसी तरह जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर है इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इतना पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिए। देखिए अब हम लोग आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज पर, समझिएगा। इफ एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, देन सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस इज गिवन बाई, समझिए सबसे पहला हमें यहां पर लिख रहा है इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n, n यहां पर क्या समझ लीजिए, इंटीजर। ठीक है, n क्या है, इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n का सोल्यूशन लिखना है, ऑब्वियसली किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, वो x वैल्यू, वो वेरिएबल वैल्यू,
जो किसी भी इक्वेशन या एनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम लोग उस इक्वेशन या एनी इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n एक को इंटीजर लिखा, वो इंटीजर सपोज कर लो 9 है, -4 है, 0 है, कुछ भी है, जैसे हम इसको एक एग्जांपल बेसिस पे लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू लिखा है यहां पर 5, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5 है, इसका सोल्यूशन लिखना हम लोगों को। सोल्यूशन मतलब बताइए आप क्या, x की वो वैल्यू सोचे हम लोग, x की वो वैल्यू जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर 5 आता हो। चलिए आप सोचिए, आप बताइए, अभी हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो पढ़ा है उसको सोचिए, किन वैल्यू का, किन रियल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। ऑब्वियसली वो रियल वैल्यू जो 5 और 6, 5 और 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। क्यों? 5 और 6 के बीच में जितने नंबर होंगे उनसे जस्ट स्मॉल इंटीजर कौन होगा, 5 होगा। तो 5 और 6 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा, 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या मिलेंगे, 5 से लेकर 6, बिफोर ऑफ 6, और 6 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि 6 का डॉट 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5 का सोल्यूशन सेट आया x वैल्यू 5 से लेकर 6 इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग 6। इन जनरल इसको इसमें कन्वर्ट करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू इसको n पढ़ते हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू इसको n अगर हम लोग पढ़े हैं तो x क्या आया बताइए, n से लेकर ये एक ज्यादा है, n प्लस 1 पढ़ो। इन जनरल इसको बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n का सोल्यूशन क्या है बताओ, x वैल्यूज आएंगी, सोल्यूशन आएगा x वैल्यू n से लेकर n प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया। x वैल्यू जो आएगी वो क्लोज n से ओपन n प्लस 1, राइट। ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है, इक्वेशन का। सेकंड, अब हम लोग इन इक्वेशन में बढ़ते हैं, ग्रेटर इंटीजर की इन इक्वेशन कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू n, इसको भी हम एग्जाम्पल बेसिस पे लेते हैं, जैसे लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है। सोचिए यहां पर किन नंबर का, किन x वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 3 से बड़ा आएगा। देखो x वैल्यू यहां पर 3 रखो तो उसका ग्रेटर इंटीजर 3 आएगा, 3 से बड़ा रखो, 3 से 4 और आगे भी रखो, तो 3 से बड़े नंबर जब हम रखेंगे यहां पर तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के बराबर या 3 से बड़ा आएगा। तो वो सारे नंबर जिनका जो कि 3 से बड़े हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 से बड़ा आएगा ही आएगा, ठीक। अब हम ये सोचते हैं कि यहां पे कोई भी नंबर 3 से छोटा रख के देखो, 3 से स्मॉल रखो, जैसे कि 2.8 रखो, तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, 2.8 का 2 हो जाता है, 3 के इक्वल नहीं आएगा, ना ग्रेटर देन 3 आएगा। इससे पता चल गया कि 3 के लेफ्ट साइड नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 3 के राइट साइड भी सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वो नंबर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 और 3 से बड़ा है को कौन नंबर सेटिस्फाई करेंगे, वो नंबर होंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करने वाले नंबर कौन होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बहुत बड़ा बात नहीं है भाई, सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो हम पाएंगे कि वो नंबर जो 3 या 3 से 3 से बड़े हैं उनका ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा आएगा, 3 के लेफ्ट साइड छोटा वालों का नहीं आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का सोल्यूशन मीन्स x वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इससे इसको रिलेट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू एक इंटीजर है तो x वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर है तो x वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर है। तो हम इसको लिखते हैं, इसका जो सोल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर n, ठीक है। तो ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एन, ठीक है। इसको साइड में एक एग्जांपल से समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सपोज करो ग्रेटर देन लिखा है 4, तो सोचिए किन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा रहेगा, किन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा रहेगा। तो जैसे हम यहां पे 4 सब्स्टिट्यूट करें तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4 आएगा, जबकि यहां पे इक्वल टू 4 नहीं करना है, तो इसका हम यहां पे 4 नहीं कर सकते हैं। 4 से बड़ा रखो 4.3, 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 आएगा, तो वो इक्वल टू 4 करना नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि 4 से लेके 5 के बीच में, 4 से लेके 5 के बीच में नंबर जो है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आता रहेगा, और हमें इक्वल टू 4 करना नहीं है। इसका मतलब 4 से 5 के बीच में इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक। और एक इजी लैंग्वेज में इसको हम समझें तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनली होता क्या है, एक इंटीजर होता है। तो ये जो क्वांटिटी है वो एक क्या है बताओ, इंटीजर है। और यहां लिखा इंटीजर ग्रेटर देन 4, इंटीजर ग्रेटर देन 4, इंटीजर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन होते हैं, 4 से बड़े इंटीजर कौन होते हैं, 5 एंड सो ऑन। तो इंटीजर ग्रेटर देन 4 का मतलब है वो इंटीजर 5 हो सकता है, 6, 7 एंड सो ऑन। तो वो इंटीजर स्टार्टिंग इक्वल टू कहां से लेगा, 5 से लेगा। तो हम बोलेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इसको लिख सकते हैं कि ये जो इंटीजर है वो इक्वल टू 5 हो और ग्रेटर देन 5 हो, समझ गए। इंटीजर ग्रेटर देन 4, इंटीजर ग्रेटर मतलब बड़ा हो 4 से, तो ग्रेटर देन 4 इंटीजर कौन है, जो कि इक्वल 5 एंड ग्रेटर देन 5। अब ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, इसमें कन्वर्ट हो गया जस्ट अभी जो हम लोग पढ़े हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन आता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर। तो यहां लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर 5। तो अगर हम लोग यहां से इसको रिलेट करें और ये बीच की बात को हटा दें, अगर हम इस बीच की बात को हटा दें, इसको हटा दें, तो हम यहां से इसको रिलेट कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 4, ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 4 है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आया, ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एन है तो एक्स भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1 बोलेंगे। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एन है तो यहां पर एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1, क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर इंटीजर एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एन। ये देखो ग्रेटर की इनइक्वालिटीज थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ओनली ग्रेटर देन एन, यहां पर इक्वल नहीं लगा था, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, साइड से समझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन लिखा हुआ है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू 5। सोचिए इसका सोल्यूशन, कौन से नंबर एक्स ऐसे हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 के इक्वल और 5 से छोटा होगा, 5 के इक्वल और 5 से छोटा होगा। तो एक्स यहां पे 5 रखो तो 5 का ग्रेटेस्ट इक्वल टू 5 आएगा, 5 से छोटा रखो, 5 से छोटा 4.8, 4.7, 4.8 रखो, 4.8 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से छोटा हो गया। इसका मतलब यहां पे अगर हम लोग नंबर 5 से इस छोटे रखते हैं तो उनका ग्रेटर इंटीजर ऑब्वियसली 5 से छोटा आएगा। अब इसका मतलब इसको सभी नंबर जो 5 से स्मॉल है वो सेटिस्फाई करेंगे 5 से छोटे। 5 से राइट साइड बड़े नंबर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 5.2 यहां पे हम लोगों ने रखा, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 5 आएगा, इक्वल टू 5 लगा हुआ है, इक्वल टू 5 लगा है तो इसका मतलब हम लोग इसको 5 के इक्वल लेंगे। तो 5.2 है तो इस तरह से 5.9 भी, 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा, इक्वल टू 5 आएगा,
तो 5.9 भी सेटिस्फाई करेगा। 6 रखे हैं तो 6 का ग्रेटर देन 5 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब बिफोर ऑफ 6 के जस्ट पहले, 5 से सब छोटे सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे थे और 5 के आगे भी सेटिस्फाई किए कहां था, 6 तक, बिफोर ऑफ 6 तक। तो एक बार सबको मर्ज कर दें तो फाइनली में पता चला एक्स नंबर जो 6 से स्मॉल है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा एक्स लेस देन 6। 6 से जस्ट स्मॉल नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो इक्वल टू 5 आएगा या 5 से छोटा आएगा। क्लियर है बोलो? तो इसको इससे इसको इसको दोनों को इससे रिलेट अगर हम करें तो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगा। क्या बताइए सोल्यूशन क्या होगा अगर हम इसको पढ़ें, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, तो एक्स लेस देन कितना आया, एन प्लस वन, बढ़ के आया एक। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, तो सोल्यूशन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन एक्स ओनली एक्स लेस देन एन प्लस वन। ठीक है, ठीक समझ आया इतना? इनइक्वालिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन का था ये। फिफ्थ नंबर देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ओनली लेस देन एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ओनली लेस देन एन। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से लेके चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन 4 लिखा हुआ है। ठीक, इसको इसका सोल्यूशन लिखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर इंटीजर, इसको आप इंटीजर पढ़िए, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है। इंटीजर लेस देन 4, 4 से छोटा इंटीजर इक्वल नहीं, 4 से स्मॉल इंटीजर कौन है भाई, 3, 2 एंड सो एंड सभी। इंटीजर लेस देन 4 स्टार्ट करते हैं 3 से और उसके लेफ्ट साइड, तो हम इसको इसको बोलेंगे कि इंटीजर जो कि लेस देन 4 है उनको हम इन दूसरे लैंग्वेज बोलेंगे इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3। इंटीजर ये इंटीजर है, इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू 3, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, इसको एन पढ़ो, इंटीजर है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, इससे रिलेट करो इसको भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन का सॉल्यूशन आया एक्स लेस देन एन प्लस वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन सेट आएगा इस प्रॉपर्टी से, लेस देन ओनली लेस देन इक्वल नहीं लगेगा, कितना बोलो एन प्लस वन करेंगे तो 4 आएगा। अब हम ये बीच की लाइन हटा दें, यहां से शुरू किए थे और यहां पर एंड किए हैं, तो अगर इनको इनको रिलेट करें तो हमें प्रॉपर्टी बनता हुआ दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन 4, तो एक्स भी लेस देन 4 आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इंटीजर तो एक्स भी लेस देन सेम इंटीजर आया, तो प्रॉपर्टी बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इंटीजर आया तो एक्स भी लेस देन सेम इंटीजर मिलेगा। राइट, इतनी प्रॉपर्टी सभी को क्लियर हो गए। ये इक्वेशन और 4 इन इक्वेशन बेस्ड प्रॉपर्टी थे, अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग पहले इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर इसमें प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, समझिए क्वेश्चन समझना, यहां पर कुछ करते हैं हम लोग क्वेश्चन, उसके पहले भी यहां पर एक बात समझे, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू लिखा है, एक नन इंटीजर लिखा है, जैसे लिखा है 3.7। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 3.7, ये एक नन इंटीजर नंबर है कि नहीं बताइए। ठीक है, इसका सोल्यूशन के बारे में सोचिए, वो नंबर जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 आता हो कौन से है बताइए, वो नंबर जिनका ग्रेटेस्ट 3.7 आता हो। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक इंटीजर आएगा,
इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन इंटीजर नंबर 3.7 आए। तो ये बात आप लोग नोट साइड से कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू नॉन इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक नॉन इंटीजर नंबर लिखा है। इस इक्वेशन के करस्पोंड में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन मींस नो वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक्स का वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? जिस तरह से अगर हम मॉडुलस के बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस इज इक्वल टू एक नंबर लिखा जो कि नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऐसा नंबर जिसका मॉड वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते थे, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन ई बाई टू, ये सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखें कि e बाई टू एक इंटीजर नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशन और इन इक्वेशन के सॉल्यूशन फॉर्मूले लिखे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उनको हम लोगों ने लॉजिकल समझा भी है, वो सब राइट में जो नंबर लिखा था यहां पर वो इंटीजर के लिए बने हुए थे और यहां ये नंबर इंटीजर नहीं है। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ई अप्रोक्स 2.732 एंड सो ऑन ऐसे लेते हैं, डिवाइडेड बाई टू करेंगे इसको अगर हम लोग, तो ये अप्रोक्स 1.36 के 36 के आसपास आएगा बोलो। तो अब इसको पढ़िए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अप्रोक्स इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1.36, कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, तो इंटीजर ग्रेटर देन 1.36, इंटीजर ग्रेटर देन 1.36, 1.36 से ग्रेटर इंटीजर क्या होता है, 2, 3, 4, 5 ये सभी होते हैं। इसका मतलब ये जो इंटीजर है वो सबसे पहले इक्वल कहां से होगा, मतलब इक्वल टू किससे होगा, 2, और 2 से बड़ा भी हो सकता है। इंटीजर ग्रेटर देन 1.36 कन्वर्ट होगा, लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो नंबर लिखा वो इंटीजर आया, तो इसके करस्पॉन्ड मैंने प्रॉपर्टी और फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन सेट मिलेगा, क्या पढ़े प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन अगर है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो एक्स वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू एन सेम आएंगे, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आया। सेकंड देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 लेस देन इक्वल टू 5/2, समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस द ग्रेटर देन इक्वल टू ये अप्रोक्स 1.5 है, पाई अप्रोक्स 3.14, तो लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 1.5 यहां पर आपका आ जाएगा 5.7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग इंटीजर पढ़ते हैं, इंटीजर जो 1.5 और 1.57 के बीच में हो, 1.5 और 1.57 के बीच में हो, वो कौन सा है, 1.5 और 1.57 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं आएगा, इंटीजर जो कि 1.5 और 1.57 के बीच में हो, या दूसरे वे से पढ़िए, वो एक्स वैल्यू जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे 1.5 और 1.57 के बीच में आता हो, 1.5 और 1.57 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सब नॉन इंटीजर होते हैं, तो ऐसा कोई एक्स नहीं है जिनका ग्रेटर इंटीजर लेने पर इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसके लिए हम बोलेंगे इस इनइक्वालिटी का कोई भी सोल्यूशन
नहीं मिलेगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को वाई मान लिया, अभी वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया जिसको सॉल्व कर लेते हैं वेविकल मेथड से साइन स्कीम बना करके। तो इसके फैक्टर करिए y माइनस वन वाई माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन स्केच करिए और माइनस इनफिनिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए प्लस इनफिनिटी। इसका जीरोस क्या है y इक्वल टू वन, इसका जीरोस क्या है y इक्वल टू टू, सब्स्टिट्यूट करिए नंबर लाइन पे टू एंड वन। साइन स्कीम बनाइए राइट साइड प्लस देन माइनस देन प्लस, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन देखिए, इनइक्वालिटी दो साइन में होता है बेसिकली, लेस जीरो और ग्रेटर जीरो। लेस जीरो इनइक्वालिटी का हम लोग क्या रीड करते थे कि इनइक्वालिटी नेगेटिव सिंबल की है, और अगर इनइक्वालिटी नेगेटिव सिंबल की है तो इस साइन स्कीम में बने हुए नेगेटिव इंटरवल्स उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन होते हैं। तो इनइक्वालिटी नेगेटिव की है तो इसमें नेगेटिव इंटरवल कौन है, एक सिंगल है जो कि स्टार्ट हो रहा है वन से और एंड कहां पे हो रहा है टू पर। तो हम बोलेंगे इसके सेटिस्फाई करने वाली y वैल्यू, इसको सेटिस्फाई करने वाली y वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में इक्वल लगा है तो दोनों न्यूमरेटर पॉइंट बाउंड्री पॉइंट यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे, इक्वल कर सकते हैं। अब y को फाइनल फिर वापस से रिप्लेस कर दीजिए जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ग्रेटर इंटीजर 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं अभी जो पढ़ के आए, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से, दोनों तरफ से देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर एन। राइट साइड से पढ़िए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन इक्वल टू एन, तो आपको बताए थे एक्स लेस देन एन प्लस वन, एक्स लेस देन एन प्लस वन, एन प्लस वन कराएंगे तो थ्री। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन सेट आया एक्स वैल्यू वन से लेकर थ्री के बीच में, राइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसी के क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग करके आगे भी बढ़ते रहेंगे, राइट। नोट करिए, हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में क्वेश्चंस को लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस एक्स माइनस टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू, इसको सॉल्व करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड कोई भी क्वांटिटी है उसको ऐसे हम लोग एक्स सपोज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू इंटीजर है तो इंटीजर लेस देन इक्वल टू थ्री बाई टू जो कि 1.5 है, तो इंटीजर इक्वल टू 1.5 तो नहीं होगा, तो इंटीजर 1.5 के इक्वल नहीं होगा तो लेस देन 1.5 हो सकता है। 1.5 से लेस इंटीजर कौन होता है, 1.5 से लेस इंटीजर 1 जीरो एंड सो एंड सभी नेगेटिव। तो हम इसको लिखेंगे कि ये जो इंटीजर है टोटल वो लेस देन इक्वल टू वन, वन से शुरू होगा, 1.5 से
लेस इंटीजर इक्वल टू वन एंड लेस देन वन, इक्वल टू वन एंड लेस देन वन। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एन, इसके इनसाइड जितना भी क्वांटिटी उसको एक्स रीड करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एन का प्रॉपर्टी पड़ेगी इनसाइड जितना भी एक्स है, इनसाइड जितना भी एक्स है वो लेस देन एन प्लस वन, एन प्लस वन मतलब हो जाएगा आपका ये टू, तो ये थ्री को यहां भेज दीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन फाइव। अब ये मॉडुलस के करस्पॉन्ड इनइक्वालिटी बन गया, मॉडुलस लेस देन, इसको पढ़िए, मॉडुलस लेस देन एक नंबर जिसको हम लोग ए पढ़ते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, मॉडुलस लेस देन ए और ए एक पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस लेस देन ए के करस्पॉन्ड सॉल्यूशन सेट मींस एक्स वैल्यू आते हैं माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं ये एक्स वैल्यू एक्स माइनस टू माइनस फाइव से लेकर प्लस फाइव के बीच में, ये माइनस टू को इधर इधर पहुंचा दीजिए तो एक्स आ गया आपका यहां पर एड हुआ माइनस थ्री से लेकर सेवन, तो इसका करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन सेट कितना आया माइनस थ्री टू सेवन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर इन्वॉल्व है बट ऑल प्लेस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्सप्रेशन सेम है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को कुछ टाइम के लिए वाई रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई क्यूब माइनस वाई अपॉन टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब ये रैशनल इनइक्वालिटी बन गया जिसको हम लोग वेविकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्कीम बना करके फैक्टर करिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई वाई माइनस वन वाई माइनस वाई प्लस वन, और इसके भी फैक्टर अगर हम लोग करें तो टू वाई प्लस थ्री और वाई माइनस वन, वाई टू वाई माइनस थ्री और वाई प्लस वन, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। राइट, इस तरह से प्रोडक्ट करके देखेंगे तो यही वापस आएगा। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक कॉमन फैक्टर यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ जो ये एक्सप्रेशन है उसके करस्पॉन्ड हम लोग यहां पर साइन स्कीम बना लेते हैं, तो इसका जीरोस क्या है जीरो, इसका जीरोस क्या है वन, इसका जीरोस कितना है थ्री वाई टू, तो सब्स्टिट्यूट करिए, सबसे बड़ा क्या है यहां पर इंफिनिटी यहां पर माइनस इंफिनिटी, सबसे लार्ज कौन है थ्री बाई टू, फिर वन फिर जीरो। राइट, तो यहां पर प्लस माइनस प्लस और माइनस। राइट, क्लियर। अब इनइक्वालिटी का सिंबल हम लोगों ने देखा तो ये ग्रेटर जीरो है, ग्रेटर जीरो मींस पॉजिटिव का इनइक्वालिटी है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग दो इंटरवल हैं, जिसमें एक इंटरवल है जीरो से स्टार्ट होते हुए वन तक और सेकंड थ्री बाई टू से इन्फिनिटी, इसको सेटिस्फाई करने वाले वाई वैल्यू आ गए जीरो से वन, जीरो से वन और थ्री बाई टू से इन्फिनिटी का मतलब है ग्रेटर देन थ्री बाई टू, जीरो से वन और ग्रेटर देन थ्री बाई टू। यहां पर इनइक्वालिटी में देखिए इक्वल सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी बाउंड्री इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। फाइनली वाई को रिप्लेस कर दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर से, वाई की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्स्टिट्यूट करिए इसमें और इसमें दोनों में, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो से वन के बीच में, सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन थ्री बाई टू। अब इसको समझिए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है। तो इंटीजर इंटीजर जो कि जीरो और वन के बीच में हो, जीरो और वन पर इक्वल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जीरो और वन के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता है। इसका मतलब ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर जीरो और वन के बीच में आ पाए। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है, जीरो और वन के बीच में इंटीजर आ रहा है, जीरो वन के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता है। इसका मतलब यहां पर ये जो इनइक्वालिटी है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। समझ आ रहा है ना बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स इंटीजर, इंटीजर जीरो और वन के बिटवीन और यहाँ पर इक्वल भी जीरो और वन पर नहीं है। तो जीरो और वन के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं आता है। तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर जीरो और वन के बीच में आए। यहां पर आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन एक नंबर है बट वो नंबर नॉन इंटीजर है। अगर ये इंटीजर होता तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी पड़े हैं वो यूज कर देते, बट ये नॉन इंटीजर है, 1.5 है, 3/2 1.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1.5 मतलब इंटीजर ग्रेटर देन 1.5, इंटीजर 1.5 से बड़ा हो मतलब 2, 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव में सभी, तो ये पहले कन्वर्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में। इंटीजर ग्रेटर देन 1.5 इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2। अब ये प्रॉपर्टी बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू n का प्रॉपर्टी पढ़े थे, याद करिए रिकॉल करिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर n, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू n, x ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर n, तो ये इसका सोल्यूशन आया। तो दो पार्ट में इसके सोल्यूशन आए थे जिसमें एक पार्ट ने कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया, सेकेंड पार्ट ने सोल्यूशन दिया, तो कंप्लीट इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट आया x ग्रेटर देन 2 मींस 2 से लेकर इंफिनिटी, राइट? नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखिए इस लेक्चर में अभी लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर शुरू किया, ग्राफ पढ़ा और कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व किए। एक एक पॉइंट को बारीकी से इसको पढ़ना है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिए, कंप्लीट इसको पढ़िए। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे काफी क्वेश्चंस और इसके काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक बार और जान लीजिए आप कि कैलकुलस में जितने भी पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन का सेंस ये है वो सारे फंक्शंस जो जिनकी डेफिनेशन से चेंज हो जाती है, सिंगल डेफिनेशन जो रखते हैं वो सिंगल डेफिनेशन वाले फंक्शन है, जिनकी डेफिनेशन अलग अलग रीजन में चेंज हो जाती है, अलग अलग पीस बनते हैं, उसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, जैसे कि मॉडुलस पीस वाइज फंक्शन क्योंकि सिंगल डेफिनेशन नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हुआ, तो ये सारे पीस वाइज फंक्शन है जो कैलकुलस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट कैलकुलस में ये बराबर यूज होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा वेविकर मेथड कंप्लीट मैथमेटिक्स में बार बार यूज होता है, इसी तरह से जो ये कैलकुलस टॉपिक है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे जो ऑपरेटर ये जो सारे फंक्शन है वो कंप्लीट कैलकुलस में बार बार यूज होंगे क्वेश्चन के इनसाइड में, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए फंक्शन में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें इन सारे ऑपरेटर को अच्छे से जान लेना, जिसमें कुछ हाफ ऑफ द ऑपरेटर हम लोगों ने 11th क्लास में डिटेल से पढ़े थे, राइट? नोट कर लीजिए।